मेरा नाम दीप है। लोग मुझे लिविंग गोस्ट भी बुलाते हैं। सबको लगता है कि मैं एक ऐसा भूत हूँ जो समाज में जी रहा है भी और नहीं भी। कभी मैं अपनी प्रेजेंस लोगों को महसूस ही नहीं करा पाता। शायद लोग सही बोलते हैं मेरे बारे में। प्रॉब्लम मेरे साथ ही है, मैं कुछ ज़्यादा ही इंट्रोवर्ट हूँ, शायद गोस्ट ही हूँ। सबके आसपास होके भी नहीं होता। हेलो। और स्मार्टी क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस बैठा था। अरे तो बैठा क्यों है? उठ जा ना और बाइक लेके आ जा मेरे कॉलेज के पास। क्यों यार आ जा फिर बताती हूँ। अच्छा ठीक है। मेरे से दोस्ती यारी होती नहीं है, मतलब लोग मुझसे बात करते हैं तो मैं बात करता हूँ, अदरवाइज मैं चुप ही रहता हूँ। और यही रीज़न है लोग मुझे गोस्ट बुलाते हैं। शायद मैं लोगों से कनेक्ट भी नहीं कर पाता। अब मेरे कॉलेज के दोस्तों को ही देख लो। अरे दीप, तू कल दिखा नहीं यार फेस्ट में। हाँ कॉलेज फेस्ट में था मैं। कमाल है यार, हमको दिखा ही नहीं, कहाँ था? अरे ये गोस्ट है भाई, ये होता है पर दिखता नहीं है। इसका होना ना होना दोनों एक ही बात है। तुम लोगों ने क्या किया फिर ऐसा? मत पूछ यार मत पूछ, ये इतना पी लिया था कि उल्टी करने लगा था। तू पीता क्यों भाई जब तू इतना उल्टी करने लगता है? मजा आता है तो पीता हूँ, खुल के जीता हूँ, दबा के पीता हूँ, तभी तो दबा के उल्टी भी करता हूँ ना, इसीलिए कहता हूँ तू भी पिया कर। ये नहीं सुधरेगा पागल लोगों। अरे कहाँ जा रहा है यार, आजा हम पिला। आजा भाई आज इसको भी पिला देंगे यार। फोन नहीं उठा रही, अजीब लड़की है यार ये। तू पागल है क्या? गिर जाता भी मैं। अरे ऐसे कैसे गिर जाते मारे होते हुए। चल पास में कैफे है, वहां चलते बातें करेंगे। चल। हाँ रेस्टोरेंट तो अच्छा है, बेस्ट है यहाँ का। तो तू आती रहती है अक्सर? हाँ। तो बताइए आपको क्या बात करनी थी? क्लोज योर आईज। क्या? आंखें बंद कर, जितना बोला है उतना किया कर, और जब तक बोलू ना तब तक खोलेगा नहीं। पागल है क्या? आंखें बंद कर। ठीक है बोल। हाँ खोल लू? रुक जा खोल लू क्या? Happy birthday to you, happy birthday to you। तुझे मेरा बर्थडे याद था? Of course, तू दुनिया के लिए होगा गोस्ट, बट मेरे लिए मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। थैंक यू यार। अरे खुल के हंस भी लिया करो, मैं शर्माना भी क्या है। केक काट जल्दी से, चल तेरा ही केक है, तेरा ही बर्थडे केक है। Happy birthday to you, happy birthday dear dear, happy birthday to you। यार गरिमा। हम्म। तुझे आगे चल के भविष्य में क्या करना है सीरियसली? मेडिकल के बाद एक अच्छी सी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनूंगी जो सबकी फेवरेट होगी। मैं तो सोच रहा हूँ अपने पापा के बिजनेस में चला जाता हूँ और आराम से उनके साथ काम करूँगा, वरना न्यू कंपनी होगी, न्यू कंपनी में न्यू लोग होंगे, उनसे इंटरेक्ट करना मेरे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अपने घर के काम में खुश यार मैं। यार तुझे प्रॉब्लम क्या है इतनी लोगों से? हर वक्त नए बहाने ढूंढता रहता है उनसे दूर जाने के। तेरा कोई दोस्त भी नहीं है यार मेरे अलावा स्कूल से। यार मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाता, ऐसा लगता है कि मन में कुछ और चल रहा है, बोल कुछ और देता उनके सामने। बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है लोगों से मुझे बात करने में, आधे टाइम तो हकलाने तक लग देखो वही हो रहा है, हकलाने लगता हूँ मैं। बड़ा अजीब है, तू एक एक्सट्रोवर्ट पर्सन है, एक्सप्रेसिव है, कंपैशनेट है, तेरे को अच्छा लगता है लोगों से बात करना। मुझसे भी शायद हमारी दोस्ती भी शायद इसीलिए ही है क्योंकि तू हमेशा से बात करती है, एक्सप्रेस करती है, मैं तो चुप ही रहता हूँ। हाँ वो तो है, मैं तो हूँ ही मरीजों की मसीहा। ये क्या? सुपर मॉडल वाला पोज। ओके
तू रहने दे, तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं आने वाला समझ में। अब एक लास्ट काम कर दे, मुझे घर तक ड्रॉप कर दे, इतना तो एहसान कर सकता है ना तू। चल गरिमा, तुम्हारा घर आ गया। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर द केक, अच्छा लगा मुझे। बाय। दीप सुन, तू बहुत अच्छा इंसान है यार, तेरा दिल साफ है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज तेरे साथ बहुत सेफ फील होता है जो बाकी लोगों के साथ नहीं होता। और मेरे होंगे बहुत सारे लोगों से करती होंगी मैं बात, मैं होंगे एक्सट्रोवर्ट, बट मैं दोस्त अपना भाई तुझे ही मान सकती हूँ क्योंकि तेरे साथ ही सेफ फील होता है। और यार सारे लड़कों को ऐसे ही होना चाहिए, सबको ऐसे ही होना चाहिए, इतना अनसेफ फील होता है ना बाहर, सब लोग ऐसे ही होंगे ना, तो यार हम लोग वी वुमेन विल फील सेफ व्हेन वी स्टेप आउट। पर ऐसा नहीं है शायद, पर ऐसा होना चाहिए। चल ठीक है, बाय। और भाई तू तो बड़ा चुभरस्त निकला वे। क्यों, क्या हो गया ऐसा? कल देखा था पार्क में इसको किसी लड़की के साथ। अच्छा, गर्लफ्रेंड है इसकी, जो भी कहो यार, गर्लफ्रेंड बड़ी हॉट है। थोड़ा तमीज से समझा, उसको अकल नहीं है कैसे बात करनी चाहिए, बेवकूफ। यार लड़ाई मत करो। मैं तो उसको समझा। अरे यार चला गया यार वो, थोड़ा सोच समझ के बोला कर तू। अरे ठीक है ना यार, अब हर लड़की किसी की माँ होती है, बहन होती है, वाइफ होती है, सबको बोलना छोड़ दूं क्या? ऐसे थोड़ा चलता है यार, मजाक ही तो कर रहा था। अब कैंटीन में भी चलना है यार, लड़कियां वेट कर रही होंगी मेरा। आप दीपक हो ना? आप मुझे जानते हो? अरे भाई आपको जानता कौन नहीं है, आप तो हमारे बॉस के बेटे हो। क्या हुआ, नर्वस हो? फर्स्ट डे का नर्वसनेस है? अरे तुम हंस क्यों नहीं रहे यार, हंस लो थोड़ा यार, मुस्कान होनी चाहिए चेहरे पे। क्यों ठीक है ना, मतलब दोनों भी होते हैं। हम चल रहा है, वैसे देखा जाए तो हम दोनों सेम ही जॉब कर रहे हैं, सेम ही पोजीशन पे, बट मैं तुमसे 6 महीने पहले आया हूँ तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना ठीक है, क्योंकि टेक्निकली आई एम योर सीनियर। बिल्कुल। क्या हुआ, बुरा मान गए? अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार। सीनियर हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो पूछ लेना ठीक है। नो वरीज, आई एम हियर। चलो चलता हूँ, ताली मार। हाँ अरे आपने कह दिया, हमने पहुंचा दिया। कभी से? अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, नहीं नहीं माल पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है माथुर साहब, मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है जी, ठीक है, ओके बाय। हाँ तो दीप जी कैसे हैं आप? आपके फादर बता रहे थे कि आपको अकेले काम करना पसंद है, उन्होंने बोला था कि मुझे, मैं आपको ट्रेन करूँ, अपने साथ रखूँ, तो आप कुछ महीनों के लिए मेरे साथ काम करेंगे, मेरे अंडर काम करेंगे। तो आपका एक एम्प्लॉय है श्रीजन, मिले आप उससे? जी हाँ, थोड़ा बात नहीं है बट काम अच्छा करता है वो लड़का, तो वो आपके साथ रहेगा, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो वो आपको हेल्प करेगा, आपको थोड़ा गाइड करेगा। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे कुछ क्लाइंट्स के नंबर हैं और कुछ प्रोडक्ट का लिस्ट है, इसको आप एक बार गो थ्रू करिए, आप हमारे क्लाइंट से बात करके एक मीटिंग फिक्स कर लीजिए और जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना लीजिए। ओके ठीक है, ओके तो शाम में मिलता हूँ आपसे, आप मुझे अपडेट दीजिए फाइनल से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ हाँ दीप जी सर, तुमने क्लाइंट से बात की? हाँ। क्या हुआ मीटिंग का, फिक्स हुआ?
मतलब मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर दी थी ऑलमोस्ट और मेल्स कर दिए थे। ओके वेरी गुड। कॉल किया कि नहीं किया? मतलब मुझे लगा कि अगर मेल्स कर दूंगा तो कॉल की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यार, मुझे पता है कि तुम पर्सनल लाइफ में काफी इंट्रोवर्ट हो, बट हमें समझना पड़ेगा कि हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग होती है। दोनों को अगर मिक्स करोगे तो मैं भी परेशान होगा, तुम भी परेशान होगे, हम सब परेशान होंगे। समझ में आ रहा है? तो अपनी पर्सनल वीकनेसेस को ओवरकम करो और इस ऑफिस के लिए काम करो। मैं कॉल कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। हाँ, कॉल करके मुझे जल्दी अपडेट दो आप, ठीक है? थैंक यू। तुझे पता है ह्यूमनोज कितने सारे सेंस डिटेक्ट कर पाती है? कितने? 1 trillion। अच्छा, तो बता क्यों रही है मुझे? क्योंकि एक तेरा ही इकलौता केस है जिसकी नाक एक भी सेंट डिटेक्ट नहीं कर पाती। बंद ही रहता है हर समय, हर समय बंद रहता है। तो एक काम क्या कर, मेरे हॉस्पिटल आ जा, तेरा ट्रीटमेंट कर दूँ। यही काम रह गया ना मुझे, एक ट्रेनिंग डॉक्टर के पास अपना इलाज कराऊँ। नाक नहीं कटवानी मुझे, अपना रिस्क नहीं लेना। और बता कैसा चल रहा लाइफ? तुझे पता है हॉस्पिटल में रोज इतने लोग आते हैं, लगता है कितना दुख है जीवन में, कितना दुख है इस दुनिया में। इतने लोग रोज आते हैं एक ही बीमारी लेके, कुछ ठीक हो जाते हैं और कुछ लोगों के दर्द हम उनसे दूर नहीं कर पाते। लोगों को लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है, पर ऐसा नहीं है यार। हम सबसे उनका दुख दर्द दूर नहीं कर सकते, हमेशा ऐसा नहीं कर पाते हम। और मुझे ये बात तो रियलाइज हो गई है कि अब भाग्य में जितना दुख है उतना तो झेलना ही पड़ता है। हाँ सही बात है, जो भाग्य में दुख है ना वो झेलना तो पड़ता ही है। मुझे देख लो, एक सर दर्द मिला हुआ है, झेलना पड़ रहा है। बदतमीज लड़के, मजाक करो ना, मजाक करो ना। जिंदगी के रास्ते में कई मोड़ आते हैं, चलते हैं हम साथ पर, कुछ लोग छूट जाते हैं। तो कल क्या कर रही है तू? कुछ नहीं यार, घर पे हूँ। क्यों हॉस्पिटल नहीं जाना? नाइट शिफ्ट है कल। तुम लोगों का सही है यार, एक मेरा ऑफिस है, दिन में प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, रात में प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ, अपने ही ऑफिस में मजदूर बन गया हूँ। अच्छा है ना, इतना बड़ा आदमी बन जाएगा तू, फिर जो मैंने वो करियो। हाँ 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 हाँ, मैं तेरी शादी में खूब पैसे लुटाने वाला हूँ। डीजे में साथ डांस करेंगे हम दोनों। नहीं नहीं भाई, तेरा पति बुरा मान जाएगा, अच्छा नहीं लगता। अरे मुझे नहीं करनी है शादी वादी। अच्छा एक बात बताऊँ? बोल। जैसी तेरी सगाई जैसे को शादी करने भी नहीं वाला। चुप हो जा। तू सच में एक मेंटल केस है। जैसे भी हो तेरी बेस्टी हो। अरे अपने लाड साहब को उठा दीजिए, कब तक सोए रहेंगे ये? चलो जब तक कुछ न्यूज़ सुन लेते हैं। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है शहर के एक मशहूर हॉस्पिटल से। मामला है बीती रात एक डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध से संबंधित। तो जब मैं इस हादसे के बारे में आपको बताऊंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये दिल दहलाने वाली घटना तब होती है जब डॉक्टर अपनी नाइट शिफ्ट खत्म कर रेस्ट करने जाती है, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। आपको बता दूं, जिस हालत में डॉक्टर का शरीर मिला है उसके बारे में सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो जो डॉक्टर मरीजों के घाव पर मलहम लगाती है, उनके जख्मों को भरती है, क्या देख रहे हो सुबह सुबह पापा? के शरीर पर इन दरिंदों ने, पता नहीं बेटा, आपको बता दूं जब ये अपने शहर में लगता है फिर किसी लड़की के साथ कुछ हुआ है हॉस्पिटल में, तभी उसको अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। इस ट्रेनी डॉक्टर का नाम बताया जा रहा है करीमा चौधरी। Deep.
मैं कई दिनों से अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। गरिमा की उस खबर के बाद से मानो मेरी जान ही चली गई हो। बेहोश होने के बाद जब होश आया तो मुझे लगा कि मुझे गरिमा के पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं गया। शहर में प्रोटेस्ट हुए, मीडिया में शोर हुआ, लोगों में गुस्सा दिखा इस बात का कि ऐसे कैसे हो सकता है किसी डॉक्टर के साथ, किसी लड़की के साथ। लेकिन धीरे 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 लोग सब भूलते जा रहे हैं, पर मैं नहीं भूल पा रहा। अब मुझे ये बात समझ आ रही है कि भूलना दूसरों के लिए आसान है, पर उनके लिए नहीं जिनके वो अपने होते हैं। हेलो दीप जी। सर अरे ठीक हो? हाँ। अरे सब लोग जा चुके हैं अभी तक, तुम ऑफिस में ही हो, क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, चलते हैं। एक काम करो, मैंने अपनी गाड़ी दी है गैराज में ठीक होने के लिए, तो मेरे साथ चल लो। अगर गाड़ी ठीक होगी तो मेरे साथ चल लेना, नहीं तो वहाँ से मेट्रो से चल लेते हैं। हाँ वैसे भी काफ़ी दिन हो गए तुमसे बात किए हुए। जी सर। अपना सामान ले लो, मैं बाहर ही मिलता हूँ। देखो दीप, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बहुत टफ टाइम चल रहा है। तुम्हारे पापा मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी क्लोज फ्रेंड गरिमा के साथ जो हुआ, भगवान ना करे कि कभी किसी के साथ ऐसा हो, पर क्या कर सकते हैं, जो होना है वो तो हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन इस देश के सिस्टम के थ्रू गरिमा को भी इंसाफ जरूर मिलेगा। अरे मैडम इसका इंतजार हो रहा है, क्या हो गया भैया? क्या है? अरे क्या है भाई, मदद करने आए हैं आपकी, क्या हो गया? ना। अरे चले जाएंगे साथ, तो चलो। कहाँ जा रहे हो? अरे दीप मेरी बात सुनो। अरे अरे क्या हो गया, सुनो तो। अरे यार चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू। अरे क्या है भाई? चलो क्या जानते मार दोगे, वो तुम्हारी गरिमा कातिल नहीं है, संभालो अपने आपको। क्या मतलब वो गरिमा का कातिल नहीं है तो उसको छोड़ दो? ऐसे सभी रेपिस्ट छिछोरों को इतना मारना चाहिए कि इनकी आत्मा कांप जाए। क्या सुबह से सिस्टम लगा रखा है, न्याय न्याय लगा रखा है? इस न्याय की कुर्सी में बैठे तो बड़े बड़े न्यायाधीश है ना, इनकी इंसानियत तो कब की मर गई। इनकी रगों में सिर्फ परिवारवाद और करप्शन बहता है। इनके खुद के रिश्तेदार रेप करते हैं, क्राइम करते हैं, और ये उनको बेगुनाह साबित करते हैं, और आप कह रहे ऐसे सिस्टम में भरोसा करूं? तो तुम चाहते क्या हो? अरे तुम गुंडे नहीं हो, तुम कोई सरकार नहीं हो, तुम एक कॉमन आदमी हो जो 9 से 5 काम करता ऑफिस में। तुम सबको जान से मार दोगे क्या? हाँ जान से मारूंगा, सबको मारूंगा। और हर इंसान को यही करना चाहिए, सिस्टम से भरोसा तोड़कर उसे खुद ही अपना न्याय लेना चाहिए। हाथ में हथियार उठाओ, डंडे पत्थर या कुछ भी, और मार दो अपने घर वालों के रेपिस्ट को। मेरी दोस्त का रेप हुआ है सर, आपके घर में किसी का नहीं हुआ है, और मुझे पता है कि कितना पेन होता है। मैं सो नहीं पाता हूं, जब जब सोता हूं ना उसकी शक्ल याद आती है मुझे, और मुझे पता है अब क्या करना है। सर आप जाइए, अपनी गाड़ी उठाइए, घर पर जाके सो जाइए, और मुझे करने दीजिए जो मैं करना चाह रहा हूं। हेलो जी, मैं इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह बात कर रहा हूँ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से। पुलिस स्टेशन से? जी सर बताइए सर। आप दीप जायसवाल को जानते हैं? दीप
दीप जैस हाँ जी सर, मैं जानता हूँ दीप जायसवाल को। आप फटाफट पुलिस थाने आ जाइए अभी के अभी। ओ अर्जुन वैली वे। हाँ भाई बैटमैन, जुर्म खत्म करने निकला है रात में, है देश को बदलेंगे। आ गए थाने, खून खच्चर हो गए, कैसा लग रहा है? सर एटलीस्ट ट्राई करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, आपकी तरह हंसी मजाक नहीं उड़ा रहा मैं किसी का। तुझे क्या लगता है तू अपराधियों को मार कर समाज बदल देगा, देश बदल देगा? तुझे एक बात बताऊं मैं, हम यहाँ एक अपराधी का एनकाउंटर करते हैं, वहां उसके दोस्त यार रिश्तेदार सबके सब उसका बदला लेने के लिए उसी अपराध की राह पे चल देते हैं। कोई ये तक नहीं सोचता हमने उस अपराधी का एनकाउंटर क्यों किया, बस सबको बदला लेना है तो सब अपराध की राह में निकल जाते हैं। हम यहाँ एक अपराधी मारते हैं ना, वहां चार पैदा हो जाते हैं। मैंने तुझे अभी तक इसलिए लॉकअप में बंद नहीं करा क्योंकि तू मुझे सही घर का लगा, तो घर पर जा, मुंह पे पानी मार, खून वून साफ कर और ठंडे दिमाग से सोच कि ये जो तूने कर्मकांड किए हैं ना, क्या ये सही है? थैंक यू संदीप जी, एंड फादर को मत बताइएगा जो आज हुआ, वो परेशान हो जाएंगे ऑलरेडी। डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ बताऊंगा नहीं। थैंक यू। और तुम ऐसा मत समझो कि तुम जिस फेज से गुजर रहे हो तुम्हें कुछ समझ नहीं सकता, मैं पूरी तरीके से समझ सकता हूँ कि नहीं सर आप नहीं समझ सकते, बट थैंक यू सो मच, आपने बहुत हेल्प किया आज और मुझे आप पे चिल्लाना नहीं चाहिए था, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। थैंक यू। कोई बात नहीं। अच्छा सुनो दीप, अगर तुम चाहते हो कि तुम समाज में कुछ बदलाव लेकर आओ तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये मेरा कार्ड लो। हम हर संडे को इस्कॉन मंदिर में एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, अगर तुम इस प्रोग्राम में आओगे तो मेरी पूरी गारंटी है कि तुम्हें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा, तो प्लीज़ ज़रूर आना, एक बार आके ज़रूर देखो, ठीक है? ध्यान रखना अपना। जिंदगी के रास्ते, अरे चलो भैया लेट हो रहे हैं। मैं कई मोड़ आते हैं, चलते हैं हम साथ पर। तो दुनिया के लिए होगा गोस्ट, पर मेरे लिए मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छी सी हॉस्पिटल में डॉक्टर बनूंगी जो सबकी फेवरेट होगी। और कुछ रिश्तों का फासला कभी मिट नहीं पाता है। जिंदगी के रास्ते में कई आते हैं, चलते हैं हम साथ पर। कुछ लोग छूट जाते हैं। एक था ये पाप की काम वासना ताप की, हो किसी जान अनजान की या फिर हो शायद आपकी। अरे भैया इतना बिल्डअप क्यों है जरूरी, फोकट का फुटेज मत खाओ, मुद्दा क्या है आखिर अब हमें ये बतलाओ। अरे वही हुआ है आज भी जो होता है हर बार, इंसानियत फिर हुई है आज सड़कों पे शर्मसार, हैवानों ने फिर किया एक लड़की का बलात्कार, फिर हुई है आज एक लड़की किसी की हवस का एक शिकार। अरे मार डालो, काट डालो, हैवानों को जला ही डालो। सड़क पर निर्वस्त्र कर मारो उन पर वही पत्थर जो इन दरिंदों के दिलों में पिघला कर भरा हुआ है। मारो 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 शांत लो, मार दिया से, अब
अब क्या हैवान मारा गया और हैवानियत हैवानियत अब भी जिंदा है। हजरत 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 हैवानियत अब भी जिंदा है। आओ ले चलता हूं तुमको त्रेता के उस काल में जब दशानन पड़ा हुआ था मरने के हाल में। तेरे पाप का घड़ा भर चुका है रावण, तेरा अंत अब निश्चित है। राम आज तुमने मेरा अंत तो कर दिया, आज पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी ख्याति गाएगा। आज की तिथि तुम्हारी हुई राम, किंतु तुमने रावण को तो मार दिया, लेकिन तुम उस सोच को कैसे मारोगे जो हर मनुष्य के अंदर पनपेगी और उन मानव को बनाएगी दशानन रावण। तुमने मुझे मारा है आज, देखो मेरा ये हाल, जलाएंगे मेरे पुतले तुम्हारे भक्त हर साल। तुम पाप को हरा नहीं सकते, सिर्फ दे सकते हो टाल। वादा है मेरा, आएगा वापस दशानंद का यह काल। श्री राम ने अपनी इस लीला से जो संदेश हमको देना चाहा, वो शायद शायद हम तक नहीं पहुंच सका। उस रावण का क्या जो आज हम सब में है, उस रावण का क्या जो एक 3 महीने की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाता है, उस रावण का क्या जो हर घर में बैठा है और अपने रिश्ते नाते का मुखौटा पहन के अपने घर की माँ बहन बेटियों को शर्मसार कर रहा है, उस रावण का क्या जो तुम में है, जो मुझ में है, जो हम सब में है। रेप जैसे घिनौने कृत की सजा अवश्य मृत्यु दंड ही होनी चाहिए, किंतु केवल मृत्यु दंड से आप इस समस्या को बदल नहीं सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि समस्या का समाधान इस दंड से हो जाएगा तो आप भ्रम में जी रहे हैं। तो पूछिए खुद से ये सवाल, क्या है इस समस्या का असल समाधान, खत्म करना हैवान को या खत्म करना हैवानियत। जैसा कि हमने आज भगवद गीता से सब समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हमारा जो माइंड है वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त भी है और वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर हमने अपने मन को कंट्रोल किया हुआ है तो मन हमारा सबसे बड़ा दोस्त है, और अगर हमारा माइंड अनकंट्रोल है तो वही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। बहुत सुंदर मंदिर है आपका, अच्छा लग रहा है ना? यहाँ आने से काफी पीस लगता है, लोगों को अच्छा लगता है। आप पूरे हफ्ते ऑफिस में काम करते हो, एक दिन मिलता है आराम का वो भी संडे, और आप इस तरीके से पूरा संडे अपना वेस्ट कर देते हो, आप आराम क्यों नहीं करते थोड़ा? ये धोती कुर्ता, ये माला तिलक, बड़ा अजीब लग रहा होगा तुम्हें ना? तुमने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा जो मर गया उसे शमशान घाट लेकर जा रहे हो? जब व्यक्ति मर जाता है ना तो उसके सारे रिश्तेदार बहुत रोते हैं, उसको याद करते हैं, चिंता करते हैं, वो कहते हैं संसार में क्या रखा है, हमारा व्यक्ति तो मर गया। बस 10 दिन 12 दिन 15 दिन महीने 1 साल के बाद सब लोग भूल जाते हैं, फिर सब लोग वापस उन्हीं काम में लग जाते हैं जो पहले कर रहे थे। उसके बारे में किसी को फिक्र नहीं रहता जो मर चुका है। उसी तरीके से हमारे समाज में जब कोई घटना हो जाती है, कहीं चोरी हो गई, कहीं रेप हो गया, कहीं मर्डर हो गया, कहीं करप्शन हो गया, तो सभी लोग आ जाते हैं बाहर, कैंडल लाइट मार्च करने लगते हैं, सरकार से प्रश्न पूछने लगते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, पर 10 दिन के बाद सब भूल जाते हैं। क्योंकि तुम्हारे अंदर भी रावण है, मेरे अंदर भी रावण है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी रावण है, हर व्यक्ति के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य घुसा पड़ा है, और समाज में इसको रेगुलेट कर इसको कम करने के बजाय सारी चीजें इसको बढ़ाने वाली हैं। दोस्त, समाज में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं जो हमारे लस्ट को, हमारे एंगर को, हमारे ग्रीड को रेगुलेट कर सके। बट जब मैं यहाँ आता हूँ ना, यहाँ जब मैं लोगों को भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताता हूँ, भगवान के गुण के बारे में बताता हूँ, भगवान की लीलाओं के बारे में बताता हूँ, भगवद्गीता के फिलोसफी के बारे में बताता हूँ, तो इससे व्यक्ति का हृदय बदलता है। व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर, अपनी वासनाओं को छोड़कर एक अच्छा इंसान बन पाता है। तो अगर तुम भी इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हो ना दोस्त, यहां जुड़ो, प्रैक्टिस करो और इसको प्रमोट करो। भजहु रे मन श्री नंद नंदना अभय चरण
जहुरे माना। ये लोग क्या कीर्तन कर रहे हैं? अरे ये छोटे बच्चे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान नंद नंदन, आप हमारा मन सदैव अपने चरणों में लगाए रखिए और आप हमें अभयता प्रदान करिए। कितना अच्छा है ना? अगर हिंदुस्तान का हर बच्चा अगर ऐसी प्रार्थना सीख ले तो कोई भी लड़का या लड़की कभी क्रिमिनल बनेगा ही नहीं। श्री नंद नंदन अभय चरनार बिंद रे। मैं कोई सरकार नहीं हूं, ना कोर्ट में बैठा कोई जज, ना वर्दी में सेवा करता हुआ कोई पुलिस ऑफिसर। मैं एक आम नागरिक हूं जिसका एक धर्म है अपने समाज के प्रति, जो वो अक्सर भूल जाता है। हमारा कानून क्रिमिनल को सजा देता है, पर उस विचार का क्या जो किसी को क्रिमिनल बनाता है? उन विचारों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि ये विचार ही तो हैं जो किसी आम नागरिक को अपराधी या एक नायक बना देती है। समाज में कैसे विचार फैलने चाहिए, इसकी जिम्मेदारी किसकी? शायद यही एक धर्म है समाज में रहने वाले लोगों का, आम नागरिक का। मुझे लगता था कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूं, गोस्ट हूं, लेकिन ये समाज भी मेरी तरह गोस्ट होता जा रहा है। मुझे अब जाके एक बात समझ आई, समस्या इंट्रोवर्ट होने में नहीं, लापरवाह होने में है। भाई क्या हुआ भाई? अब क्या किया मैंने? क्या रहते हो, कुछ काम वाम नहीं है क्या? अपने पे क्या काम होगा भाई, काम करना है तेरे को? बता दोगे तो कर लूंगा। सामने मेरा ऑफिस है, ये मेरा कार्ड है। सुन, कल सुबह 10 बजे आ जाइयो, अगर तो जॉब करनी है तो मैं लगवा दूंगा, समझा? कितने बजे आएगा? 10 बजे। मैडम रुकना, ए सुन सुनना, तुझको ही बुला रहा हूँ तुझको। अरे नंबर दे रही है क्या? अरे नंबर दे देना, अरे बहुत प्यार करता हूँ मैं तेरे से। क्या कर रहा है रे? क्या रे, तेरे को क्या? सामने वाले मोहल्ले का है ना तू? हाँ तो लड़की छेड़ रहा है, करूँ अभी पुलिस को फोन, बताऊँ तुझे? निकल, चल निकल, निकल, चल निकल। हरे कृष्णा भैया। हाँ जतिन भैया, वो मुझे आपको थैंक यू बोलना था। किस लिए? भैया अब जाके मुझे पता चला कि जब मैं आपसे पहली बार मिला था और गलत काम कर रहा था तो आपने मुझे क्यों मारा। आज वही सेम चीज मेरी आंखों के सामने हुई तो मुझे पता चला कि मैं कितना घिनौना काम कर रहा था, कितना गिरा हुआ आदमी था मैं। पर अब मुझे इस चीज़ का बहुत अच्छे से एहसास हो गया है। आपका बहुत बहुत थैंक यू भैया, आपने मुझे इस्कॉन से जोड़ा, भगवद्गीता क्लासेस से जोड़ा और अपना साथ दिया, जिसकी वजह से मैं सुधर पाया, नहीं तो आज मैं भी कुछ बहुत गलत करता। थैंक यू सो मच भैया। आई होप अब तुम्हें पता है कि तुम्हें अब क्या करना है। यस भैया, मैं अच्छे से जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। चलो ध्यान रखना अपना। थैंक यू भैया। और स्मार्टी, बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया तू तो, हीरो बन गया है तू। रास्ते में कई मोड़ आते हैं, चलते हैं हम साथ पर, कुछ लोग छूट जाते हैं। चंद लम्हों का साथ कभी यादों में ढल
जाता है और कुछ रिश्तों का फासला कभी मिट नहीं पाता है। चलो जी जल्दी बैठना। वन टू थ्री हरे कृष्णा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों बहुत मेहनत करी हम लोगों ने, लिटरली इस बार हमने 1.5 से 2 महीने दिए प्रॉपर शॉर्ट फिल्म को, कुछ खास कॉन्टेंट नहीं बनाया ताकि इतने सेंसिटिव टॉपिक को समझदारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके और वैदिक सोल्यूशन भी दिया जा सके। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो साथियों, तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें, अपने हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अगर इस वीडियो को देखने के बाद, इस शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद अगर किसी एक व्यक्ति का भी कॉन्शियसनेस बदलता है, नजरिया बदलता है, तो हमारी पूरी मेहनत जो सफल होगी। आपसे निवेदन है कि आप हमें अपना फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जरूर दें ताकि इस प्रकार की भगवद्गीता पर बेस्ड स्पिरिचुअल वीडियोज को, फिल्मों को हम मास लेवल पर बनाकर समाज में जागरूकता को फैलाते रहें। तो आपसे फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।